मैं खुशी व्यास एचपी न्यूज 24 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की खास भोजपुरिया में शिक्षक महेंद्र व्यास की अनूठी पहल, अपने बेटे के जन्मदिन पर वितरण की गई स्कूली बच्चों को स्वेटर। यह वितरण विगत 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। नरसिंहगढ़ ब्लॉक छोटा बेरसिया संकुल केंद्र के तहत आने वाले एकीकृत माध्यमिक विद्यालय भोजपुरिया में शिक्षक महेंद्र व्यास की अनूठी पहल लगातार चलती आ रही है। आपको बता दें कि संस्था प्रभारी महेंद्र व्यास द्वारा प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को अपने बेटे मृदुल व्यास के जन्मदिन के मौके पर विद्यालय के विद्यार्थियों को इसी के चलते इस वर्ष की मंगलवार को भोजपुरिया में स्वेटर वितरण कार्यक्रम संकुल प्राचार्य मनीष राठौर व शिक्षक जगदीश पाठी की उपस्थिति में वितरण की गई। इस दौरान बच्चों को नियमित विद्यालय आने व प्रतिदिन स्वेटर पहनकर स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। वहीं शिक्षक की इस अनूठी पहल पर ग्रामीणों व आसपास के गांवों में काफी प्रशंसा की जा रही है। इस मौके पर संस्था प्रधान महेंद्र व्यास, जगदीश प्रसाद मंडलोई, देवबक्ष कारपेंटर, संस्था प्रभारी जागृत बामनिया, गीता दांगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उमा यादव, सुनीता यादव मौजूद थी। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। हर्ष और खुशी का विषय है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि विगत कई वर्षों से हमारे सर व्यास जी सर एवं दीदी हमारे चित्रा मैडम भीलखेड़ी में आप प्रतिवर्ष बच्चों को प्रत्येक बच्चे के लिए स्वेटर ला करके उनको पहनाते हैं और ये बहुत ही पुण्य काम है। पुण्य के काम में मैं हमेशा संकुल की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं उनसे प्रेरणा लेने के लिए बाकी मेरे जो भी संकुल के हमारे साथी हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की व्यवस्थाएँ जो कि नन्हे प्यारे बच्चों को ये सारी सुविधाएँ मिल जाए अपने ही संस्थाओं में तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं इस पहल का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज उनके बड़े बालक का जन्मदिन भी है तो मैं चाहूँगा कि भगवान उसे भी खुश रखे और मस्त रहे वो स्वस्थ रहे, मेरी ढेरों शुभकामनाएँ और बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्या संदेश है आपका? सर बस ये कार्य करने से अपन को बहुत आत्मा को शांति मिलती है एवं बहुत खुशी होती है। ऐसे कार्य करते रहना चाहिए, सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जो पहले आपके कितने वर्षों से करते आ रहे हैं सर? विगत 5 वर्षों से। अच्छा, माने हाँ जी सर, भोजपुरी और भीलखेड़ी दोनों स्कूलों में वितरण का चला आ रहा है। ठीक है।